स्टूडेंट्स, क्लास 11 फिजिक्स नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्क्रू गेज पार्ट सेवन। पार्ट सिक्स में हमने पढ़ा था वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स में हम क्या मेजर करते थे? लेंथ एंड डायामीटर। स्क्रू गेज में भी हमें लेंथ और डायामीटर ही मेजर करना है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है? वर्नियर स्केल का जो मेनली लीस्ट काउंट होता था आपका 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि पॉइंट के 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम उसका रीडिंग निकाल सकते थे। स्क्रू गेज का जो आपका होता है इसके हम 3 प्लेसेस 4 प्लेसेस 5 प्लेसेस तक भी इसका रीडिंग निकाल सकते हैं। तो उसका लीस्ट काउंट 0.01 0.001 0.001 0.001 ये भी हो सकता है, ठीक है। अब स्क्रू गेज जो होता है वो आपका बिल्कुल इस तरीके से दिखाई देता है। इसके नीचे वाले फिगर में देखिए आप, जहाँ आपका पिच स्केल लिखा हुआ है वो आपका फिक्स है, ठीक है। वर्नियर स्केल में इसको हम क्या बोलते थे? मेन स्केल। इसका अदर नेम इज मेन स्केल या स्लीव्स भी बोलते हैं। अ सर्कुलर स्केल यानी कि जो आपका मूव होता है स्केल, उधर हम वर्नियर स्केल में वर्नियर स्केल बोलते थे और इधर हम क्या बोलते हैं इसको? सर्कुलर स्केल। इस अदर नेम इज हेड स्केल, ठीक है। यू टाइप में जो बना हुआ है आपका क्या है? फ्रेम। और आपके स्क्रू हैं, स्क्रू का अदर नेम इज स्पिंडल। एंड स्टड, स्टड का अदर नेम इज एनविल। जिससे हम रोटेट करते हैं सर्कुलर स्केल को, दैट इज कॉल्ड थिम्बल। एंड लास्ट में आपका रैचेट है, रैचेट का भी बताएंगे क्या काम होता है, ठीक है। आप देखिए, आपका जो स्टार्टिंग में आपका स्क्रू गेज होता है वो आपका बिल्कुल इस तरीके से बंद दिखाई देता है। आपका इसमें मेन स्केल का रीडिंग, सर्कुलर स्केल की रीडिंग, यानी कि दोनों के जीरो क्या होते हैं? आपस में मैच होते हैं। अगर जीरो एरर नहीं है तो दोनों के जो जीरो होते हैं वो आपस में मैच होते हैं। ये अभी आपका क्या है? फुली बंद है, यानी कि ये जो आपका है जो सिलेंडर की तरह स्पिंडल, आपका एक सिलेंडर की तरह दिखाई दे रहा है, ये स्क्रू ही है। जैसे ही इसको हम सर्कुलर स्केल को एंटी क्लॉक वाइज घुमाते हैं तो आपके स्क्रू दिखाई देने लगेंगे। इस तरीके से एंटी क्लॉक वाइज हमने इसको मूव किया तो आपको स्क्रू दिखाई देंगे, ठीक है। दो स्क्रू के जो बीच का डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड पिच। आप देखिए, आपके जो मेन स्केल के जो डिवीज़न हैं वो भी आपके 2 डिवीज़न शिफ्ट होंगे। आपका जो सर्कुलर स्केल में डिवीज़न है, इसमें करिए सपोज करिए आपके 100 डिवीज़न है, 0 से 0 मेन स्केल का और सर्कुलर स्केल का 0 से 0 क्या हो रहा है? मैच हो रहा है। इसको अगर हम 1 एंटी क्लॉक वाइज 1 रोटेशन इसको घुमाते हैं तो आपके स्क्रू दिखाई देने लगेंगे, और 2 स्क्रू के जो बीच का डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड पिच। और दूसरा क्या होगा? आपका जो मेन स्केल में लाइनें दिखाई दे रही हैं, ये देखिए आपको 10 लाइंस दिखाई दूंगी, काउंट करोगे 10, यानी कि वो कितने रोटेट मूव हुआ है सर्कुलर स्केल? 10 टाइम्स रोटेट किया है, यानी कि उसमें 10 डिवीज़न आपको दिखाई देंगे, ठीक है। लेकिन जो आपका पिच कहलाएगा वो ओनली फॉर 2 स्क्रू के बीच का डिस्टेंस इज कॉल्ड अ पिच। और मेन स्केल यानी कि जो पिच स्केल है उसमें आपके 2 डिवीज़न के जो बीच का डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड आल्सो पिच। 1 रोटेशन, 1 सर्कुलर रोटेशन, यानी कि 0 से स्टार्ट किया वापस 0 पे आया, ओनली फॉर 1 रोटेशन फॉर सर्कुलर स्केल, तो आपको 2 स्क्रू दिखाई देंगे, उन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड पिच। एंड मेन स्केल पे आपको 2 डिवीज़न दिखाई देंगे, उनके बीच का ही डिस्टेंस क्या कहलाएगा? पिच। और जिससे सर्कुलर स्केल में हम जिससे मूव करते हैं दैट इज कॉल्ड थिम्बल, ठीक है। अब देखिए, आपका ये स्क्रू थोड़ा सा खुला स्टड, इसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? फिक्स करेंगे। आपने फिक्स किया, 1 रोटेशन 2 रोटेशन भी आपका क्या हो गया? फिक्स हो गया, लेकिन अभी भी आप कंफर्म नहीं हो कि फिक्स हुआ है नहीं, तो आप रैचेट से इसको हल्का सा टक करोगे तो आपको बिल्कुल आवाज़ आएगी टक की, तो आपका ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट फिक्स हो गया, ठीक है। वहीं से हम रीडिंग वगैरह लेते हैं। अब देखिए, आपके जो सर्कुलर स्केल में डिवीज़न बने हुए हैं 100 डिवीज़न है, ठीक है। आपने 0 से स्टार्ट किया और 0 पे है, एंटी क्लॉक वाइज आपने मूव किया तो आपने 1 रोटेशन कंप्लीट किया, यानी कि 1 मिलीमीटर आप क्या हुए? शिफ्ट हुए, ठीक है। यानी कि 2 स्क्रू के बीच का डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्रूज आर कॉल्ड पिच। यहाँ मेन स्केल में जो आपके 2 डिवीज़न हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है आर कॉल्ड पिच। क्या यही आपका लीस्ट काउंट है? नहीं, ये 1 रोटेशन कंप्लीट करने पे आपको 1 स्क्रू दिखाई देगा, 2 स्क्रू दिखाई देंगे, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका पिच कहलाएगा, ठीक है।
अब इसमें देखिए आपका इसमें सबसे कम कितना हम इसमें कर सकते हैं, चल सकते हैं, इसमें डिवीज़न कितने हैं आपके 100, आपके सर्कुलर स्केल में डिवीज़न किसी में स्क्रू गेज में 50 भी होते हैं, किसी में 100, 1000, वो डिपेंड ऑन दिस इन दैट इंस्ट्रूमेंट, ओके। वो उस समय हम फिर इसका लिस्ट काउंट उस हिसाब से ही निकालेंगे। अब इसमें सपोज करिए आपके 100 डिवीज़न है, तो 100 डिवीज़न यानी कि पूरे 100 डिवीज़न वो चला, तब उसका जो मेन स्केल का रीडिंग आया ओनली फॉर 1 मिलीमीटर, दैट इज़ कॉल्ड ए पिच। ये आपका पिच है लेकिन लीस्ट काउंट नहीं है। लीस्ट काउंट क्या होगा आपका, अगर हम सिर्फ एक डिवीज़न रोटेट करते हैं यानी कि 1/100 डिवीज़न सिर्फ रोटेट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लीस्ट काउंट, ओके स्टूडेंट्स। में वर्नियर स्केल में लीस्ट काउंट कितना था आपका, मेन स्केल रीडिंग माइनस वर्नियर स्केल रीडिंग, इसमें आपका लीस्ट काउंट क्या आएगा अभी हम पढ़ेंगे, पहले पिच पढ़ेंगे, पिच क्या है, ठीक है। आपका ये सारा समझ में आ गया, कौन सी चीज़ क्या है, स्क्रू स्पिंडल दैट इज कॉल्ड स्क्रू। जैसे ही आप उसको सर्कुलर स्केल से इसको रोटेट करोगे तो आपको स्क्रू दिखाई देंगे, टू स्क्रूज के बीच का डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड पिच। मेन स्केल में आपको रीडिंग दिखाई देगी, दो डिवीज़न दिखाई देंगे उनके बीच का डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड मे पिच, ठीक है। जिसे हम घुमाते हैं थिम्बल, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम फिक्स करते हैं, वो आपका फिक्स हुआ है नहीं, तो रैचेट से उसको टकाक से आवाज़ करके उसको फिक्स कर देंगे। यू टाइप में जो दिखाई दे रहा है फ्रेम, स्टड इज द अदर नेम इज एनविल, ठीक है। अब देखिए आपका पिच, पिच क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड्स, दो कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड्स के बीच का डिस्टेंस ही क्या कहलाता है, पिच। इसका अदर डेफिनेशन इज डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू ड्यू टू वन कंप्लीट रोटेशन। अगर हम सर्कुलर स्केल को एक पूरा रोटेशन कंप्लीट यानी कि पूरे 100 डिवीज़न रोटेट करते हैं, यानी कि एक सर्कुलर एक रोटेशन क्या लिया हमने, फुल लिया, यानी कि सर्कुलर स्केल से कंप्लीट एक रोटेशन किया, तो वो भी क्या कहलाएगा आपका, पिच, यानी कि 1 मिलीमीटर डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू ड्यू टू वन कंप्लीट रोटेशन। और जो कंप्लीट रोटेशन है वो सर्कुलर स्केल ही है आपका। मार्किंग ऑन द मेन स्केल, जो भी आपके मेन स्केल में जो मार्किंग दिखाई देती है वो भी आपकी क्या है, पिच। अभी हमने आपको ऊपर बताया था, ठीक है, दो डिस्टेंस के बीच का, दो स्क्रू के बीच की डिस्टेंस पिच, मेन स्केल में जो रीडिंग दिखाई दे रही है मार्किंग पिच, और एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करने पे दैट इज कॉल्ड पिच, ठीक है। आप देखिए आपका नीचे देखिए 0, 1, 2, 3 स्केल है, 0 से 1 शिफ्ट हुआ यानी कि 1 मिलीमीटर दैट इज कॉल्ड पिच। इधर भी देखिए 0 से 1 आपका पिच। आपके सर्कुलर स्केल में डिवीज़न कितने, 100 डिवीज़न है। यहीं से देखिए हम लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीज़न। पिच का क्या आया फॉर्मूला कैसे निकलेगा, आपका जो 1 मिलीमीटर पिच है सिर्फ ओनली फॉर वन रोटेशन में हम जितना भी शिफ्ट होंगे दैट इज कॉल्ड पिच, और वो आपका एक ही यूनिट फिक्स होगा। वन रोटेशन में 1 यूनिट, 2 रोटेशन में 2 यूनिट, 3 रोटेशन में 3, लेकिन जो 1 रोटेशन का होगा 1 यूनिट दैट इज कॉल्ड पिच, और वो आपके 2, 1 रोटेशन में ओनली फॉर 2 स्क्रू ही दिखाई देंगे, उनके बीच का डिस्टेंस ही आपका क्या कहलाएगा, पिच, ठीक है। तो पिच का लीस्ट काउंट क्या होगा, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए आपके इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, 2 full turns of circular scale of a screw gauge cover a distance of 1 millimeter on scale. The total number of division on circular scale is 50. Total number of circular scale division कितने हैं, 50. Find the least count. आपको इसमें क्या निकालना है, least count. ये आपके 4 options दिए हुए हैं। Solution देखिए आप इसका, 2 full rotation. 2 full rotation में आपका कितना चलता है वो, 1 millimeter. तो अपन को लेकिन पिच चाहिए, पिच कैसे निकलेगी, ओनली फॉर 1 रोटेशन, तो 1 full rotation इज इक्वल्स टू 1/2 millimeter यानी कि 0.5 millimeter दैट इज कॉल्ड पिच। सर्कुलर स्केल डिवीज़न कितने हैं आपके, उसमें 50 डिवीज़न है, कितने डिवीज़न है, 50, ठीक है। तो लीस्ट काउंट आपका क्या निकलेगा, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीज़न यानी कि 0.5/50, पॉइंट से हटाया नीचे 0 आ गया, 1/100 यानी कि इसका लीस्ट काउंट आपका कितना आया, 0.01 मिलीमीटर, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको समझ में आया लीस्ट काउंट कैसे निकला,
एक पूरा फुल रोटेशन पे आपका क्या निकलेगा, पिच। और जितने भी आपके सर्कुलर स्केल में डिवीजन है उसको अगर हम उससे डिवाइड करते हैं वहीं से आपका क्या निकलता है, लीस्ट काउंट। वर्नियर स्केल में लीस्ट काउंट क्या था, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, जेई मेंस में आया हुआ है 2019, द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ अ स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट आपको दे रहे हैं 1 मिलीमीटर। मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन ऑन इट सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड, आपसे सर्कुलर स्केल डिवीजन के नंबर आपसे पूछ रहा है, CSD नंबर ऑफ CSD। ठीक है, और आपका स्क्रू गेज का जो पिच है, जो ऊपर था लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर, ये आपका क्या है, पिच है। क्या है, पिच। और जो नीचे है ना आपका मेजर 5 माइक्रोमीटर डायामीटर ऑफ अ वायर इज, ये आपका क्या है, लीस्ट काउंट। तो पिच इजिकल्स टू 1 मिलीमीटर, लीस्ट काउंट इजिकल्स टू 5 माइक्रोमीटर, नंबर ऑफ CSD आपसे पुटअप कर रहा है। ये 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से कोई भी एक सही हो उस पर टिक करना। अब देखिए, लीस्ट काउंट इजिकल्स टू पिच अपॉन नंबर ऑफ CSD। लीस्ट काउंट आपका कितना है, 5 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो 1 माइक्रो में कितने होते हैं, 10^-6 इजिकल्स टू पिच आपका 1 मिलीमीटर है, तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10^-3। ठीक है, नंबर ऑफ CSD इजिकल्स टू 10^-3 अपॉन 5 × 10^-6। माइनस 6 ऊपर जाएगा तो प्लस का, 10^3 अपॉन 5, यानी कि 1000/5 डिवाइडेड। ठीक है, तो इसको 1000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा, 200। तो नंबर ऑफ CSD इजिकल्स टू 200, समझ गए आप। ठीक है, दैट इज नंबर ऑफ CSD इजिकल्स टू 200। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका पिच निकाल लिया हमने, लीस्ट काउंट निकाल लिया, अब हम जो आपका इंस्ट्रूमेंट दिया जाएगा उसका रीडिंग कैसे निकालेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट का मार्कर निकालते हो या पेन का, किसी का भी रीडिंग आप निकालते हो तो उसको फाइनल रीडिंग हम कैसे निकालते हैं। आपका रीडिंग था मेन MSR और CSR, वर्नियर स्केल में क्या था, मेन स्केल रीडिंग एंड वर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग आपके क्या है, रीडिंग MS यानी कि मेन स्केल जस्ट 4 जीरोज ऑफ CS यानी कि सर्कुलर स्केल के जीरो से पहले जो भी रीडिंग है दैट इज मेन स्केल रीडिंग। और सर्कुलर स्केल क्या है आपका, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद बेस लाइन। आपके सर्कुलर स्केल का डिवीजन, अगर कोई भी डिवीजन आपके मेन स्केल से क्या कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है, दैट इज कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। ऊपर देखिए आपका बेस लाइन मेन स्केल बना हुआ है, आपने 4 रोटेशन कंप्लीट किए, 1, 2, 3, 4, पांचवें रोटेशन में आपका वो ऑब्जेक्ट 4 और 5 के बीच में क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब हमें नहीं मालूम कि वो हमारा 4.5 है, 4.6 है या 4.3 है, यहीं से हमें निकालना होता है। आप देखिए आपका इसका लीस्ट काउंट यानी कि इसमें डिवीजन तो 100 ही है, लीस्ट काउंट तो आपका आएगा 1 मिलीमीटर अपॉन 100 यानी कि 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, आप देखिए ऊपर आपका 5 लिखा हुआ है, यानी कि 5 वाला डिवीजन वो आपके मेन स्केल से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो यानी कि रीडिंग ऑफ MS जस्ट बिफोर जीरो कितनी है, 4 मिलीमीटर प्लस लीस्ट काउंट इंटू 5। लीस्ट काउंट आपका क्या है, 0.01 × 5। ठीक है, इनको टोटल ऐड किया तो आपका क्या आया, 4 + 0.05 यानी कि 4.05, दैट इज योर आंसर रीडिंग। लैब में करते हैं इसकी 4-5 रीडिंग लेते हैं, ठीक है, वहीं से टेबल हम शो करते हैं, यही आपका रीडिंग लेने का तरीका है। सबसे पहले स्टार्टिंग में आप सबसे पहले देखोगे स्क्रू गेज को कि वो आपका जीरो एरर है या नहीं है। अगर आपका मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो दोनों आपस में मैच हो रहे हैं तो आपका जीरो एरर नहीं है। ठीक है, फिर हमने बताया आपका स्क्रू जो है स्पिंडल है, पिच स्केल मेन स्केल सर्कुलर स्केल आपका वर्नियर स्केल की तरह काम करेगा। थंबल से हम वन, अगर आपका पूरा स्क्रू अभी बंद है तो 1 रोटेशन एंटी क्लॉक वाइज मूव करते हैं तो आपकी स्क्रू दिखाई देते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट फिक्स करते हैं, फिक्स है या नहीं है, रैचेट से इसको टकाक से आवाज़ आएगी, दैट इज कॉल्ड रैचेट। पिच आगे आपका डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव थ्रेड्स, डिस्टेंस मूव बाय वन, डिस्टेंस मूव बाय स्क्रू ड्यू टू 1 कंप्लीट रोटेशन, इट्स कॉल्ड पिच। मार्किंग ऑन ए मेन स्केल, आपके मेन स्केल पे इसकी मार्किंग शो होती है।
लीस्ट काउंट का फॉर्मूला, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, इससे रिलेटेड हमने टू न्यूमेरिकल्स किए, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हमको, हमने आपको फाइनल रीडिंग निकालना बताई कि रीडिंग कैसे फाइंडिंग करते हैं, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल का जस्ट बिफोर MS एंड लीस्ट काउंट कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, ठीक है, दोनों को ऐड किया, दैट इज कॉल्ड रीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल और जीरो एरर बताएंगे, ओके स्टूडेंट्स।